दोस्तों बीते केकेआर और मुंबई इंडियंस के मैच में रोहित शर्मा के टांग में मोच आ गई थी और बॉलिंग कराते वक्त दोस्तों उनका पांव मुड़ गया था, जहां पर ये कॉमेडी का सब्जेक्ट बन गया था मैच के अंदर। रोहित शर्मा चीखते और रोते हुए भी नजर आए। अब दोस्तों उसी समय रोहित के जूतों पर जूम हुआ, जहां पर हमें एक और मैसेज दिखाई दिया और ये था प्लास्टिक फ्री ओशन। रोहित शर्मा अपने जूतों से दोस्तों अब वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। पिछली बार दोस्तों राइनोस के लिए और अब की बार रोहित शर्मा के जूतों पर समुद्र को साफ करने के लिए मैसेज था। रोहित शर्मा ने आज ये पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। उनके जूते पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो समुद्र है उस पर अब कचरा डालना बंद करें, क्योंकि दोस्तों समुद्र के अंदर जितनी जीव जंतु की जातियाँ रहती है उतने पूरे विश्व में कोई जीव जंतु की जातियाँ नहीं रहती। ऐसे में रोहित शर्मा ने ये पहल की है कि जनता भी अब उनकी इस पहल का सपोर्ट करे। जैसे उनकी टांग उड़ी, कैमरामैन ने जूम किया उनके जूतों की तरफ, यहाँ पे ये मैसेज देखने को मिला प्लास्टिक फ्री ओशन, और उनके जूते पर कछुए जैसी कई आकृतियाँ बनी हुई थी। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी चोट से भी कोई ना कोई संदेश दे दिया। ये बताता है कि रोहित शर्मा बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है और बहुत अच्छे मैसेजेस अपने फैंस को देते हैं। रोहित के इस तरीके के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आपको और भी अपडेट यहाँ पर मिले सबसे पहले।